क्या हम नाइट्रिक एसिड को कॉपर वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। इसको समझने के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प लेना पड़ेगी। नाइट्रिक एसिड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है +0.97, और कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34। मैंने आपको बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर HNO3 के अंदर, नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसलिए यहाँ पर HNO3 का रिडक्शन होगा। और HNO3 में जो नाइट्रेट आयन है वो नाइट्रेट आयन कॉपर का ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से कॉपर वेसल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगी। यही कारण है कि हम कॉपर वेसल के अंदर नाइट्रिक एसिड को स्टोर नहीं कर सकते।